दोस्तों, यह एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पार्ट 13 वीडियो है। इससे पहले मैं 12 वीडियो बना चुका हूं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसके लिए आपको जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, UPTGT PGT से संबंधित, दिल्ली DSSB से संबंधित, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग अगर चैनल पे जाएंगे, YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी बाय नागेंद्र यादव, तो आप लोग को ज़रूर वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ से पूरी प्ले लिस्ट को सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं इसी तरह जब तक आप लोग के एग्ज़ाम्स के पहले तक मैं वीडियो डालता रहूँगा, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी हो। और मैं आज 385 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो पैराथायराइड ग्लैंड नाम का हार्मोन्स को थायरोक्सिन नाम जो पैराथायराइड ग्लैंड है थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये एक हार्मोन सेक्रेट करती है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन और पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रेट करती है, जिसका लोकेशन होता है गले में, नेक में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन सैलिवा। देखिए, जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो लार होती है हमारे शरीर में, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तीन जोड़ी यानी कि नंबर में 6। तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो 99.10% होती है। अगला क्वेश्चन है 387, ड्यू टू पैनक्रियाज ऑफ टाइलिन इन सैलिवा फूड मिक्स्ड विथ, यानी कहा है कि जो सैलिवा यानी लार में टाइलिन होती है, वो टाइलिन में कुछ प्रेजेंट होते हैं, जो लार होती है उसमें कुछ टाइलिन होते हैं। टाइलिन एक हार्मोन है जो प्रेजेंट होता है और फूड में मिक्स करता है किसके साथ, माल्टोज को डेक्सट्राइन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, माल्टोज और डेक्सट्राइन, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सैलिवा, यानी कि लार में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, लार में क्या पाया जाता है, तो पोटेशियम भी पाया जाता है, सोडियम भी, कैल्शियम भी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सभी लार में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईसोफेगस इज इन ह्यूमन में, यानी मानव में जो ईसोफेगस को बोलते हैं गिलेट पाइप, हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं, इसका एक और नाम है गिलेट पाइप। तो ईसोफेगस की जो लेंथ होती है 9 से 10 इंच होती है, 9 से 10 इंच होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम, देखिए जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, श्रावण होता है, उसका कहाँ होता है, जो स्टोमक की दीवारें होती हैं उनसे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लीवर से आपका जो श्रावण होता है उसको बोलते हैं बाइल, और ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, देखिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो लीवर की दीवारों से, सॉरी स्टोमक की दीवारों से जो सिक्रेट होता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो रेनिन, पेप्सिन, HCl, ये सभी पाए जाते हैं। रेनिन का फंक्शन होता है दूध को फाड़ना, दूध पे एक्शन करना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरियों को ख़त्म करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 192, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स रिएक्शन इन स्टोमक स्टार्ट,
यानी क्या है कि जब आप कुछ खाना खाते हैं पेट में जाता है तो कितने मिनट बाद उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो 15 से 20 मिनट बाद आपके पेट में रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एट प्रोटीन ऑफ फूड। देखिए कहा है, पहले बता चुका हूँ कि कौन सा क्या एक्ट करता है, प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन के जो भोजन होते हैं, भोजन वाले प्रोटीन होते हैं जो, उस पर कौन सा एक्शन करता है, तो आपका देखिए पेप्सिन, पेप्सिन ही एक्शन उस पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि द पेप्सिन विच इज नॉट ऑब्जर्व बाई ब्लड वेसल्स इज नोन एज। कहा है कि जब देखिए पेप्सिन जब ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑब्जर्व नहीं कर जा सकती है तो उसको बोलते हैं काइन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन एक्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल। देखिए रेनिन की बात किया है, मैं पहले बता चुका हूँ कि रेनिन किस पे, कौन से भोजन पे, फूड मटेरियल्स पे एक्ट करता है, क्रिया करता है, तो मिल्क पे, दूध पे ही रेनिन काम करता है, दूध को फाड़ने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, दूध उसको फाड़ कर उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट टू कन्वर्ट फूड इनटू एसिडिक फॉर्म। देखिए कन्वर्ट का है, सॉरी कन्वर्ट बोल दिए, कन्वर्ट का है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन को एसिडिक फॉर्म में बनाता है, एसिडिक यानी अम्लीय बनाता है, अम्लीय, तो HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन को अम्लीय बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, द बैक्टीरिया ऑफ स्टोमक आर डिस्ट्रॉयड बाई। देखिए जो स्टोमक में बैक्टीरिया होती हैं, स्टोमक में बैक्टीरिया होती हैं तो उस किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की जाती हैं, तो आपको बता दें कि ये पेप्सिन रेनिन, पेप्सिन का काम प्रोटीन का पाचन, रेनिन का दूध को फाड़ना, और टॉयलिन के द्वारा आए हुए जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो लेकिन मेन जो फंक्शन है वो HCl का है, मेन फंक्शन HCl का है, तो HCl होता है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं होगा, HCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज बाई। देखिए इसमें ये भी ऑप्शन सब गलत हैं, क्वेश्चन सब गलत, ऑप्शन गलत है, इसलिए मैं आप लोग को क्लियर कराना चाहता हूँ, मैं बहुत संशोधित करके, बहुत मेहनत करके आप लोग के सामने वीडियो देता हूँ। तो इसमें जो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, तो एंजाइम इसोमेरेज, एंजाइम इसोमेरेज इसको बोलते हैं, वही एंजाइम है जो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, एंजाइम इसोमेरेज। अगला क्वेश्चन 399, द फूड विच इज नॉट डाइजेस्ट बाई स्टोमक इज कॉल्ड। अरे कहा गया कि कौन सा भोजन है, क्या है भोजन का, कौन सा भाग है, जो भी हो वो कौन सा भाग है जो उसको, जिसको स्टोमक, पेट डाइजेस्ट नहीं करता है, तो काइम हो गया, काइम पचा हुआ भोजन होता है, और पचा हुआ भोजन का पाचन हमारे शरीर में जो होता है मेन ज़्यादातर छोटी आंतों में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डाउडेनम इज, जो डाउडेनम होती है उसका शेप जो होता है, क्वेश्चन पूछता है कि डाउडेनम का शेप कैसा होता है, तो जे शेप का होता है, और ये किसका पार्ट होता है, छोटी आंत का पार्ट होता है, तो जे शेप का होता है ये डाउडेनम, और इसका जो लेंथ होती है 12 इंच होती है, कितना 12 इंच। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, When food reach into duodenum, the substance which mixed with it are। कहा है कि जब, देखिए कहा है कि जब भोजन duodenum में पहुँचता है, जब भोजन duodenum में पहुँचता है तो कौन से पदार्थ उसमें मिक्स होते हैं, कौन से पदार्थ मिक्स होते हैं, तो मैं बता दूँ कि ये न HCl मिक्स होता है, न पेप्सिन, न HCl न पेप्सिन, जो बाइल जूस है
वही मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बाइल जूस जो है वही वहाँ पे मिक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड की बात किया है, शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लीवर। इसका वजन 1.5 किलो होता है, 1,500 ग्राम, और इसे बायोकेमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं, और इसमें रीजनरेशन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको बायोकेमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा आर्गन्स है, और ये डाइजेस्टिव सहायक आर्गन है, पाचन सहायक आर्गन भी इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं ये एग्जोक्राइन ग्लैंड में भी आता है, ऑप्शन बाय स्रावी ग्रंथियों में भी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द लीवर, ये पाउंड में दिया है तो मैं बता दिया हूँ कि 1,500 ग्राम होता है लीवर का वेट, 1,500 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए जाएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग। द फैट डाइजेशन इज एक्टेड बाई, देखिए जो फैट होता है उस पे किसकी क्रिया होती है? पेप्सिन की? नहीं, इस पे प्रोटीन की होती है। टाइलिन दूसरा चीज़ है, ये तो लार्व ग्रंथियों में पाया जाता है, और रेनिन, रेनिन दूध को फाड़ने, बाइल जूस है जो फैट को जो है डाइजेशन करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 405, द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ आरबीसी इन इज डन, देखिए आरबीसी को स्टोर कौन करता है? जो शरीर में रेड ब्लड कार्पल सेल्स होती है उसको अवशोषित स्टोरेज करने का, एकत्रित करने का कार्य लीवर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ पनक्रियाजीज, देखिए पनक्रियाज की लेंथ कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 से 6 इंच, पनक्रियाज की लेंथ 5 से 6 इंच होती है। अब इसमें देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टेड बाई एमाइलेप्सिन, तो देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, एमाइलेप्सिन से ये सब कोई डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं, आल ऑफ देव कोई नहीं है, तो ये गलत है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाई, द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाई, तो प्रोटीन जो डाइजेस्ट होती है वो पेप्सिन के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ फैट इंटू फैटी एसिड, द कन्वर्जन ऑफ फैट इंटू फैटी एसिड देन इंटू ग्लाइसरील ग्लिसरील इज डन बाई, काहे कि जब फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है उसके बाद ग्लिसरीन में कन्वर्ट होता है, तो उसे कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? तो लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी सही है, लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड से ग्लिसरील में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड इज परफॉर्म बाई, देखो देखिए एमिनो एसिड में जो कन्वर्ट करता है इरेप्सिन बोलते हैं, एमिनो एसिड में कन्वर्ट जो करता है उसको बोलते हैं इरेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजेन, द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजेन इन टू ट्रिप्सिन इज डन, देखिए ट्रिप्सिनोजेन का कन्वर्जन जो ट्रिप्सिन के द्वारा होता है तो एंटरोकाइनेसिस के से होता है, एंटरोकाइनेस से होता है, ये सब हार्मोन है एंजाइम है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत केयरफुली देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो देखिए फीट में 5 फीट हो जाएगी और मीटर में 1.5 मीटर, फीट में 5 फीट और मीटर में 1.5 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि, और ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश किया हूँ। क्या क्वेश्चन है कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन इरेप्सिन प्रोटीन इज कन्वर्टेड बाय पेप्टोन देन इज चेंज इनटू,
कहा है कि जब छोटी आंत में ही रेप्सिन के द्वारा जो प्रोटीन कन्वर्ट की जाती है, पेप्टोन कन्वर्ट की जाती है, वो एमिनो एसिड में होती है। किसमें? एमिनो एसिड में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह मैं कुछ क्वेश्चन कवर किया हूँ। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।